ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन पूछे आपने, सबसे पहले रिटेल की बात करके चलते हैं। रिटेल का एक्सपेंड करने का सबसे अच्छा तरीका है ऑनलाइन, क्योंकि अभी तक आप ऑफलाइन बात कर रहे थे, अब आप ऑनलाइन कर गए। सैचुरेटेड मार्केट के अंदर कैसे अपने आप को एक्सपेंड करें, सच अपना प्राइस कम करके या फिर अपनी क्वालिटी बढ़ा के, एक स्ट्रैटेजी है गोरिल्ला मार्केटिंग, मैंने वीडियो बना रखी है उसको देखना, उसके थ्रू भी आप लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो, बेसिकली फुटफॉल बढ़ा सकते हो अपनी दुकान का। अब अगर ऑनलाइन ले जाने की बात करके चलो तो बेसिक सा है, एक वेबसाइट बनानी है। अब आपको डिपेंड करेगा आपका बिजनेस क्या है, आपको ब्रांडेड बनानी है या फिर ई कॉमर्स बनानी है, उसके बाद आपको सोशल करना पड़ेगा और आपको सर्च एड चलानी पड़ेगी और आपको एसईओ करना पड़ेगा, बस ले गए आप डिजिटल। और अब लोगों को लगेगा ये खर्चे है, खर्चे क्या है, अब ऑफलाइन दुकान चलाते हो, किराया तो देते हो ना, बिजली का खर्चा तो देते हो ना, एम्प्लॉयज की सैलरी तो देते हो ना, तो अगर आप एक और नई सेट ऑफ ऑडियंस चाहते हो तो आपको कुछ ना कुछ तो खर्चा करना पड़ेगा, इसलिए वहाँ पे खर्चा होता है। अब मोनोपोली कैसे क्रिएट करें, सॉरी ये मेरे स्कोप के बाहर है, मैं क्लिक बेटिंग नहीं करता। तो मोनोपोली क्रिएट, अगर पहले से ही मार्केट सैचुरेटेड है और वहाँ पे आप मोनोपोली क्रिएट करना चाह रहे हो तो आप एक इनोवेशन लेके आओगे तभी हो पाएगा। एक एंट्री बैरियर के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी, उसको देख लेना, वहाँ से शायद आपको थोड़ी सी क्लैरिटी मिलेगी कि किस तरीके से आप कर सकते हो।